नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर अक्टूबर माह का मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये तीसरा भाग है। अभी तक दो भाग पढ़ चुके हैं, जो भी नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बनी है, वहां देख सकते हैं। आज बात करेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 की। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनने हैं 100% किसी भी पेपर में। संस्करण क्या था? तो 67वां था। संस्करण क्या होता है, मतलब 66 बार दिया जा चुका है यह पुरस्कार। 67वां पुरस्कार इस साल 2022 का था। स्थान कहाँ दिया गया? तो जियो वर्ल्ड सेंटर में दिया गया, और ये है मुंबई में। सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो ये था सरदार उधम। ठीक है, 9 पुरस्कार पूरे इसको मिले हैं सरदार उधम को। और निर्देशक कौन था? तो सुजीत सरकार जी थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? शेरशाह, इंपॉर्टेंट है। निर्देशक इसके कौन थे? तो विष्णु वर्धन थे। दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी फिल्म पूछ लेता है नाम में कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के निर्देशक कौन थे, या पूछ लेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन, किसके लिए दिया गया इनको? तो शेरशाह मूवी के लिए ही इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सबके चाहते रणवीर सिंह, इनको दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो फिल्म 83। आप सभी जानते हैं कि ये जो है 1983 की जो विश्व कप हुआ था उस पर आधारित है ये फिल्म। कपिल देव का रोल इन्होंने निभाया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो कृति सैनन, मिनी फिल्म के लिए दिया गया। ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, चाहे अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा जरूर। फिल्म भी पूछी जाती है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता कौन थे? तो एहान भट्ट जी थे। कौन सी फिल्म थी? तो 99 सॉन्ग्स। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री, डेब्यू होता क्या है, मतलब शुरुआत, पहली फिल्म इनकी थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो सरवरी बाग, फिल्म बंटी और बबली 2 के लिए दिया गया। बंटी और बबली 1 तो भाई देखे ही होंगे, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी द्वारा अभिनीत थी, बड़ी गजब की पिक्चर थी, मैं भी देखा था, अच्छी लगी थी। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर कौन थे? तो सीमा पाहवा। किस फिल्म के लिए? तो राम प्रसाद की 13वीं के लिए दिया गया इन्हें। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तो पंकज त्रिपाठी, बेस्ट एक्टर ये है, सर्वश्रेष्ठ इनको देना चाहिए था, सहायक अभिनेता दिया गया है अलग बात है। मिमी के लिए इन्हें मिला है, मिमी फिल्म में इन्होंने काम किया इसलिए इन्हें दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहालकर हैं। किस फिल्म के लिए? तो मिमी के लिए, कहने मतलब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो पुरस्कार पाए हैं वो मिमी फिल्म के हैं। सर्वश्रेष्ठ संवाद किसका रहा? तो दिवाकर बनर्जी का था और वरुण ग्रोवर का था। फिल्म क्या थी? संदीप और पिंकी फरार, ये फिल्म थी। आगे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कहानी चंडीगढ़ करे आसकी, सबसे अच्छी कहानी किसकी थी? तो इसी की थी, चंडीगढ़ करे आसकी की। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार किसे मिला? विजय गांगुली को मिला, चकाचक और अतरंगी रे के लिए। ठीक, सर्वश्रेष्ठ एक्शन किसका था? तो शेरशाह मूवी का था, इसलिए शेरशाह को ही दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले सरदार उधम, और सर्वश्रेष्ठ संपादन शेरशाह। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे जो आपको मैंने दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, इससे बाहर फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ भी नहीं आना है। ठीक दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी या फिर कोई ऐसी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का पोर्शन होता है, हिंदी का पेपर पूछा जाता है, तो आपके लिए ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पुरस्कार जितने भी हैं दिए जाते हैं, लेकिन बड़ा लेट पुरस्कार ये जारी करते हैं। बताइए 2021 का पुरस्कार 2022 में जारी कर रहे हैं, वो भी 2022 समाप्त होने वाला, तो ऐसा पुरस्कार जो होता है न लेने वाले को मजा आता है और न ही पढ़ने वाले को मजा आता है, लेकिन मजबूरी है तो पढ़ना है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत भारती पुरस्कार 2021 जो है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है, और ये दिल्ली के निवासी हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान 2021 का डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया गया, और ये महाराष्ट्र के निवासी हैं।
डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 2021 का पुरस्कार डॉक्टर राम शरण गौड़ को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के हैं। अवंती बाई साहित्य सम्मान 2021 का डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को दिया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान 2021 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान 2021 हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। लोक भूषण सम्मान 2021 डॉक्टर महेंद्र भानावत राजस्थान के निवासी हैं, इनको दिया गया है। कला भूषण सम्मान 2021 डॉक्टर हृदय गुप्त कानपुर के निवासी हैं, इनको दिया गया है। विज्ञान भूषण सम्मान 2021 विजय चितौरी प्रयागराज के हैं, इनको दिया गया है। आगे देख लेते हैं, पत्रकारिता भूषण सम्मान 2021 जो है बलबीर कुंज को दिया गया है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान 2021 डॉक्टर नलिनी बलबीर जी को दिया गया, ये फ्रांस से होकर आई है, तो प्रवासी कौन होता है जो विदेश से आए भारत में रहने लगे, तो वही प्रवासी। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान 2021 कल्पना लाल जी को दिया गया है, ये मॉरिशस में रहती है। विभूषण सम्मान 2021 की बात करें तो सुधा अवस्थी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी, इनको दिया गया है। बाल साहित्य भारती सम्मान 2021 का पुरस्कार डॉक्टर फकीर चंद्र शुक्ल जो पंजाब के हैं, इनको मिला है, और साथ में दिनेश पाठक शशि जो मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं, इनको दिया गया, साथ में संयुक्त रूप से दिया गया है। और मधुलिमीय साहित्य सम्मान 2021 का पुरस्कार डॉक्टर विक्रम सिंह आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी, इनको दिया गया है। और पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान 2021 का पुरस्कार अश्विनी कुमार दुबे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इनको दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में अब बात करेंगे। ये जितनी फिल्में हैं 2020 में दिखाई गई थी और पुरस्कार इनका अब जारी हुआ है, तो लेटेस्ट अपडेट है इसके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। 2020 की फिल्में ही हैं, ठीक है, लेकिन 2022 में मिला है, बहुत लेट देते हैं पुरस्कार, मजा नहीं आता है ना पढ़ने में ना पढ़ाने में और ना ही पाने वाले को, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना है देखना भी है, तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसका संस्करण था 68वां। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुरा रई पोद्रू तमिल में है, निर्देशक सुधा कोंगरा जी है, ठीक। आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक कौन है और इसके लिए इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, तो वो है मंडेला फिल्म तमिल में है, निर्देशक मंडोन अश्विन जी हैं। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म क्या है, तो हिंदी पट्टी की है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, हिंदी में आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, निर्देशक ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म जो सामाजिक मुद्दे पर होती है, लोगों को प्रेरित करती है, तो फ्यूनरल मराठी में बनी, निर्देशक विवेक दुबे जी। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण फिल्म जो पर्यावरण पर आधारित थी, तो ये है तले डडा जो कन्नड़ में बनी। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सुमी बनी मराठी में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया, तो अजय देवगन को घोषित किया गया और सूर्या को, ये संयुक्त रूप से घोषित किया गया। अजय देवगन जो है तानाजी के लिए बनाए गए और सूर्या सुरा रई पोद्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली जी को, किस फिल्म के लिए, सुरा रई पोद्रू। आपको याद क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली जो पोद्रू में ही हैं, और पोद्रू के लिए सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, लेकिन अजय देवगन जी के साथ, तो ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो बीजू मेनन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, तो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, तो राहुल देश पांडे। और सर्वश्रेष्ठ गायिका कौन है, तो नंजी अम्मा, बड़ा कठिन नाम है, दक्षिण भारत के लोग हैं, थोड़ा सा अगर चूक हो जाता है तो उसके लिए माफ करिएगा। सर्वश्रेष्ठ सिनेटोमोग्राफी अभियात्रिक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा सुरा रई पेद्रू को मिला है, व मंडेला दोनों को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार मनोज मुंतशिर, फिल्म साइना के लिए इन्हें दिया गया, ठीक। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। टेस्टिमनी ऑफ एना, टेस्टिमनी ऑफ एना, निर्देशक कौन है, तो सचिन धीरज मुदी गोंडा जी हैं। आगे देखें,
मोस्ट फिल्म फ्रेंड स्टेट मतलब सबसे ज्यादा फिल्म किस राज्यों में देखी जा रही है, फिल्म को सहयोग किया जा रहा है, तो वो भैया है एमपी मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान जी हैं वहां के मुख्यमंत्री, आप सभी जानते ही। भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फिल्में कौन कौन सी रही, तो एक लिस्ट है उस पर जरा सा हम लोग नजर रख लेते हैं। रेवत भोले गुजराती में, ब्रिज असमी में बनी, इसके निर्देशक कृपाल कलिता जी थे। डोल्लू कन्नड़ में बनी, इसके निर्देशक हैं सागर पुराणिक। कलर फोटो तेलुगु में बनी, इसके निर्देशक हैं संदीप राज जी। और थिंगला एचआर निश्चयम ये मलयालम में है, इसके निर्देशक हैं सेन्ना हेगड़े। अभिजात्रिक बंगाली में है और शुभजीत मित्रा इसके निर्देशक हैं। तुलसीदास जूनियर ये हिंदी में बनी है और इसके निर्देशक हैं मृदुल तुलसीदास। ये अगला है शिवरंजनीयम इन्नुम सीला पेन गलम, ये तमिल में है। बसंत एस साई जी बनाया, नाम बड़ा हार्ड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। गोष्ठा एका पैंडरीची ये मराठी में है, ठीक है। और शांतन गणेश रोड़े जी इसके निर्देशक हैं। तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित जितने भी आपके पेपर में बन सकते हैं, मैंने आपको दे दिया। अब आगे देखते हैं, हम लोग किसी को याद क्यों करते हैं, क्यों याद करते हैं कि कोई मर गया? तो इसलिए नहीं याद करते कि वो मर गया, इसलिए याद करते कि उन्होंने काम क्या किया है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तभी आप याद किए जाएंगे, अन्यथा कोई याद नहीं करेगा। तो वैसे ही निधन है, जो प्रमुख निधन इस मंथ में हुए हैं, तो उनके उनको नहीं याद किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है। तो चलिए उनके कामों को देख लेते हैं। निधन किसका हुआ है, तो राकेश झुंझुनवाला उद्योगपति थे, शेयर मार्केट में इन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, इन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। और अकाशा एयरलाइन अभी हाल ही में शुरू की गई थी, जो 7 अगस्त 2022 को शुरुआत हुई थी, अभी मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो इनकी शुरुआत की ये संस्थापक थे। अब बात करें प्रदीप पटवर्धन जी का, तो मराठी नाट्य एवं सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इसलिए इन्हें याद किया जाएगा। मिखाइल गोर्बाचोव भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आ सकता है। तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे भाई, जब रूस जो है अलग नहीं हुआ था, टुकड़ों में नहीं बटा था, तब के राष्ट्रपति थे। उसके बाद तो राष्ट्रपति हुए ही, लेकिन जब बहुत बड़ा रूस था, यूक्रेन कजाकिस्तान दुनिया भर का देश था, तब ये जो है राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के काल में यूएसएसआर टूट गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। 1990 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भाई इतना बड़ा कांड हो गया उस समय, समय रूस सक्षम भी था, चाहता तो परमाणु बम का यूज करता और सब करता, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और देश को टूटने दिया। फिलहाल एक प्रकार से गलत भी हुआ। सावन कुमार जी बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक व गीतकार थे, इन्होंने कुछ फिल्में निर्देशित की, तो उसके बारे में जान लीजिए। सौतन, सौतन की बेटी, सनम बेवफा, प्यार की जीत, प्रीत व साजन बीना सुहागन, भाई नाम ही बड़े सुंदर है। वाकई में पिक्चर भी बहुत अच्छी रही होगी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर देखूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। अभिजीत सेन, अभिजीत सेन जी जाने माने अर्थशास्त्री व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का प्रतिपादन इन्होंने 2007 में किया था भाई। भूपेंद्र सिंह बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक थे, पार्श्व गायक थे, मुख्यतः ये गजल गायक के रूप में जाने जाते हैं। अगली बात करें सुशोभन बंदोपाध्याय, एक रुपए वाला डॉक्टर इन्हें कहा जाता है, शानदार आदमी थे और ये फीस नहीं लेते थे, सिर्फ एक रुपए लेके फीस अच्छी सच्ची दवा करते थे, इसलिए ये ग्रेट थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अब बात कर लें कुछ प्रमुख दिवस के बारे में, तो 2 अगस्त से अगर शुरू करें तो दादरा एवं नगर हवेली का स्वतंत्र हुआ था, मुक्त कराया गया था, तो ये वर्षगांठ है इसकी। 6 अगस्त को भाई साहब आप सभी जानते हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया गया था अमेरिका के द्वारा, तो इसलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त मैत्री दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। स्तनपान में
बच्चों को महिलाएं अपने दूध पिलाती हैं, तो यही है। 9 अगस्त नागासाकी दिवस, भाई यहाँ भी परमाणु बम अमेरिका ने फेंका था, बड़ा ही क्या कहते हैं उसको, नाइंसाफी किया था अमेरिका ने। आज दादा बना फिरता है पूरे विश्व में, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने किया परमाणु बम चला के। अगस्त क्रांति दिवस, ठीक, विश्व आदिवासी दिवस, ये तीन है मुख्य, 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय क्लीन मुक्ति दिवस, ये भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय दिवस में क्या, विश्व गज दिवस, ठीक है। दो और 14 अगस्त को मनाया जाता है क्या, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि जानते ही हैं 15 का भारत आजाद हुआ था, 14 को ये आजाद हुआ था। विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस, फालतू काम है, अगर इतना ही था तो देश को टूटने क्यों दिया गया, ये भी सोचने की बात है, आम जनता सोच सकता है अगर। लेकिन जानते हैं देश कब टूटता है, देश तब टूटता है जब एक नेता के अंदर लालच पैदा हो जाता है, तभी देश टूटता है। 15 अगस्त की बात हो गई, अब 15 अगस्त की बात करें तो इसमें कई सारे देशों को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जैसे कि दक्षिण कोरिया मनाता है, कांगो मनाता है, बहरीन मनाता है, और भारत भी मनाता है, लेकिन बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है। शोक मुजीबुर रहमान जो थे वहां के मर गए थे वहां के, इसीलिए मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। 20 अगस्त की बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था पार्ट नंबर 3, आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार कमेंट जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर मन कहे तो शेयर कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, चौथा पार्ट होगा इसका, करंट अफेयर का। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।